नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब के अंदर में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं MPESB द्वारा मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2023 के बारे में। इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे एग्ज़ाम सेंटर पे, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको पहले हम MPPV की वेबसाइट पर ले जाके दिखाते हैं। ये एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सहायक संप्रेक्षक पटवारी एंड अदर पोस्ट कमांड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 का, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस वेब पेज पे आ जाएंगे जहां आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है या एप्लीकेशन नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ DD-MM-ER के चारों वर्ड्स डाल के और ये कैलकुलेशन को कैप्चा कोड को सॉल्व करके सर्च कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपके डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आप मुझे बताइएगा आपका एग्ज़ाम कब पड़ रहा है और 15 मार्च से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, सर्च कर लेंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। और ये एडवाइजरी है, मैं आपको अभी बताता हूँ, और ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं। और चलिए दोस्तों मैं आपको अब बताता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे एट MP पटवारी एग्ज़ाम सेंटर में। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद एडमिट कार्ड का प्रिंट लेके जाना पड़ेगा। डाउनलोड व मुद्रित किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकता है, यानी कि डाउनलोडेड प्रिंट आउट ऑफ द टेस्ट एडमिट कार्ड इनेबल्स कैंडिडेट टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर। आपको कलर हो चाहे ब्लैक एंड वाइट, उसके 2 कॉपी लेके जानी है अपने साथ फॉर सेफ्टी यूज, सेफ्टी पर्पसेज के लिए, और उस पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चिपकानी है जिसपे आपके सेल्फ अटेस्टेड साइन होंगे, आधे कागज़ पे, आधे एडमिट कार्ड पे, आधे फोटो पे, और निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम के बाद कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा प्रवेश करने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में। तो आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचने का प्रयास करिए और मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता होगी। UDI DUI DAI द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग अलोंग फोटो ID टू एंटर, ओरिजिनल फोटो ID टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर एज पर रूल बुक। ई आधार कार्ड विल बी ओनली इफ वेरीफाइड बाय UIDAI। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ अपने साथ ले जा सकते हैं, और जो फ़ोटो ID प्रूफ ले जाएंगे उसकी जेरोक्स कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी अपने साथ लेके जाएं फ़ोटो ID प्रूफ की, आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो चाहे वोटर कार्ड हो और ड्राइविंग लाइसेंस हो, 2 कॉपी अपने साथ लेके जाएं। इसके बाद आपको TAC यानी कि टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग में स्वहस्तरक्षित फ़ोटो लगाना अनिवार्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया उस पर सेल्फ अटेस्टेड साइन करने हैं आपको, आधे एडमिट कार्ड पे और आधे आपके फ़ोटोग्राफ पे, और उसमें एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी लगाना है, वो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ही लगाना है, और एक साइन भी करने हैं आपको, वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे ही करने हैं, और 50 वर्ड्स का उसमें एक आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना है कि आप एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं, तो वो आपको वहीं इन्विजिलेटर के सामने ही लिखना पड़ेगा, वो आपको बता देंगे क्या लिखना है, तो वो आपको लिखना होगा। और परीक्षा हॉल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति की प्रक्रिया उपरांत दिया जाएगा। कैंडिडेट कैन एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द बायोमेट्रिक प्रोसेस। मूल प्रवेश पत्र तथा मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना निषिद्ध है, यानी कि प्रोहिबिटेड है, मना है। ओनली टेस्ट एडमिट कार्ड एंड फोटो ID प्रूफ इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, अदर थिंग्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर, बीपर, पेजर्स, मोबाइल, सेलफोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि प्रणेत विजित हैं, यानी कि प्रोहिबिटेड हैं। ऑल काइंड एनी काइंड ऑफ कैलकुलेटर, बीपर, पेजर, मोबाइल फ़ोन, ये जो भी आप सामग्री लाए हैं अगर आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे उनको रखने के लिए बाहर एक ऑफिस बनाया गया है तो वहाँ पे आप रख दीजिए, नहीं तो बाहर सेंटर के बाहर कोई शॉप होंगी तो वहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन जमा करवा दीजिए।
जो आउटसाइडर हैं, और जो लोकल में जिनका सेंटर पड़ा है तो वो तो घर से ही नहीं लेके आए, ये मेरी सलाह है उनके लिए। तो एनी काइंड ऑफ कैलकुलेटर, बीपर्स, पेजर, मोबाइल फोन, सेल फोन्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये सब हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी हैं। उसके बाद दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज द वाइल अपलोडिंग फिलिंग आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था तब जो फोटो आपने लगाई थी वैसी ही दो फोटो अपने साथ लेके आएँ, और पेन लाएँ ब्लू और ब्लैक कलर का जो ट्रांसपेरेंट हो, ग्लू और फेविस्टिक टू पेस्ट द फोटोग्राफ, ब्लू स्टाम्प पैड। इनके बाद COVID-19 के आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। वियरिंग मास्क इज मैंडेटरी, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन वेन्यू विदाउट अ मास्क, कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इन देयर मोबाइल फोन्स, द सेम शैल बी चेक्ड एट द एंट्रेंस गेट बाय द सिक्योरिटी गार्ड, कैंडिडेट हु डू नॉट हैव अ मोबाइल फोन मस्ट ब्रिंग ए सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन, कैंडिडेट मस्ट कैरी ए ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल अलॉन्ग विद दैम। आप अपने संग एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल भी ले आ सकते हैं एंड 50 ml बोटल ऑफ हैंड सैनिटाइजर। ये आपके COVID-19 के इंस्ट्रक्शन होगा जो आपको फॉलो करने हैं, और ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या आपको फॉलो करना है ये सब मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछने का प्रयास कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, और होगा तो एक वीडियो डेडिकेटेड और बना दूंगा। इसके बाद आपको मैं आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए PBE की वेबसाइट से जाके, और बताइएगा मुझे कि आपका एग्ज़ाम कब पड़ा है। 15 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, और डाउनलोड एडवाइजरी भी मैंने बता दी आपको, और ये महत्वपूर्ण निर्देश भी मैंने आपको बता दिए, और COVID-19 के इंस्ट्रक्शन भी बता दिए। ये सब चीज़ें आप रीड आउट कर लीजिए और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और इन सब जो भी मैंने आपको बताए हैं उनको फॉलो कीजिए और एग्जामिनेशन सेंटर पर जाइए। तो आज मैंने आपको बताया MPESB मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2023 के ऑनलाइन फॉर्म में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।